चलो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दबेली। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रसीली, बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ। इसका मसाला बाजार में भी आता है, लेकिन हम घर में मसाला बनाएंगे और जिससे टेस्ट इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दबेली बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन। सबसे पहले हम बनाएंगे दबेली मसाला, जिसके लिए हमने गैस में पहले से पैन चढ़ा दिया है। इसमें 4 बड़े चम्मच डालूंगी मैं धनिया सूखी, तिल 1 बड़ा चम्मच, 2 मोटी इलायची, 5 लौंग, दालचीनी 2 इंच। यहाँ पे मैंने नारियल लिया है कटा हुआ, इस तरह से जो सूखा आता है वो डालेंगे हम। थोड़ा काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, सौंफ 1 बड़ा चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और 1 ये स्टार। ये मेरे पास इतना ही बचा था तब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, आप एक पूरा स्टार लें। अब हम इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इससे थोड़ा सा धुआं ना उठने लगे और खुशबू ना आ जाए। 1 से 2 मिनट तक ही हमें इसे रोस्ट करना है, सारे मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करें ताकि धीरे धीरे रोस्ट हो अच्छे से। हमारे मसाले भुन गए हैं, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं यहाँ पे डालूंगी नारियल का बुरादा। इसे सूखा नारियल होता है, ये लगभग 3 बड़े चम्मच डालूंगी। मसाला थोड़ा सा चटपटा होता है और कसूरी मेथी कड़वी भी ज्यादा नहीं होती है और कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा देगी। 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे थोड़ा खट्टापन और एक चटपटापन आएगा। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ रखा था, उसी की हीट में इस मसाले को भी हम भून लेंगे। हमें गैस ऑन करने की जरूरत नहीं तो हमारा मसाला जल भी सकता है। पैन में इतनी हीट है कि ये मसाला आराम से भुन जाएगा। आपको भूनते रहें जब तक आपके पैन में हीट है। अगर लगे आपको कि मिर्च जल रही है तो आप इसको तुरंत दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लें। हमारा मसाला भुन गया है और अभी ये गर्म है, इसलिए मैं इसको दूसरी प्लेट में निकाल लूंगी ताकि ये जले नहीं और ठंडा हो जाए। और इसको अच्छे से फैला लें ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच कश्मीरी पाउडर लिया है लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं जो हमारी चटनी को एक टेक्सचर देंगे और बॉन्ड बनाएंगे। ये 14 से 15 कलियां लहसुन की हैं, क्योंकि हम लहसुन की चटनी बना रहे हैं तो अच्छे से लहसुन होना चाहिए। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 नींबू मैंने लिया है, इसका दूध डालेंगे इसमें। ये चटनी को एक बहुत अच्छा खट्टापन देगा, बहुत ज्यादा ना डाले। चटनी पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करते हुए चटनी पीसे, एकदम पानी ऐड करते हुए चटनी को पीसे। हमारी चटनी देखिए पिस गई है, मैं आपको इसको, यही टेक्सचर हमें चटनी का चाहिए। मसाले ठंडे हो गए हैं, अब हम इन मसालों में मिलाएंगे नमक, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये। सफेद नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। मसालों को जार में डाल के हम पीस लेंगे। हमारा मसाला पिस गया है एकदम, ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही टेस्टी मसाला है ये। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे मूंगफली मसालेदार, जो इसको बहुत, दबेली को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है और मूंगफली से एक क्रंचीनेस आती है। ये मैंने, ये 6 बड़े चम्मच मूंगफली है। और इसमें ऐड करेंगे हम अपना ये वाला मसाला जो हमने दबेली वाला बनाया था, 2 बड़े चम्मच।
थोड़ा सा और। पहले मैं इसको ऐसे ही मिला लेती हूँ अच्छे से, फिर ये मसाला इससे चिपक जाए। इसके लिए हम यहाँ पे इसमें तेल डाल के रख सकते हैं या नींबू का जूस, ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए दालों में। ये देखिए, ये दबेली का स्वाद बहुत बढ़ा देता है, और दबेली में जो एक क्रंचीनेस आता है या टेक्सचर आता है वो इसी के कारण आता है। ये रेडी है हमारी मूंगफली। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम आलू मसाला बनाएंगे दबेली का। इसके लिए मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच हम ऑयल के डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और हम दबेली मसाला डाल देंगे और इसको इसमें इस तरह से मिला लेंगे। मसाले को भूनने से जो इसका फ्लेवर है वो उभर के आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला इस तरह से 1 मिनट तक भून लें इसको पानी के साथ। अब हम ऐड करेंगे इसमें अपने आलू। मैंने 5 बड़े आलू लिए हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे स्लो कर लें ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अच्छे से मिला लेंगे मसाले के साथ आलू को। इसमें एक प्रोसेस और करते हैं जिसके कारण बहुत अच्छा ही पेस्ट तैयार होगा, मैं आपको बताती हूँ। मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिला लेंगे और हम ऐड करेंगे इसमें पानी। स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको मिला लेंगे। मसाले में नमक है, इस बात का ध्यान रखें, तो स्वाद अनुसार नमक डाल लें। पानी डालने से गीला हो गया है, लेकिन हमको इसको ऐसे ही अच्छे से आलू को मिला लेना है। हमारे आलू हो गए हैं, पानी सारा सूख गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक ट्रे में पलटेंगे। एक ट्रे में गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आप एक ऐसा बर्तन ले लें जो थोड़ा गहरा हो और पेस्ट को इसमें डालेंगे और इसको ऐसे स्प्रेड कर लें पेस्ट को इस पे। इस तरह इसको स्प्रेड कर लें और अब हम इसको सजाएंगे। बहुत ही कलरफुल रेसिपी है और टेस्ट भी उतने ही अच्छे हैं। अभी ये गर्म है, अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और एकदम सेट हो गया है हमारा पेस्ट आलू का। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप करेंगे इसको सजाने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे प्याज, हरी धनिया पत्ती एकदम फ्रेशली, ऐड करेंगे हम इसमें किशमिश। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी या इस तरह से कुछ भी कलरफुल अंगूर ऐड कर सकते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा ये। ऐड करेंगे इसमें मसालेदार मूंगफली जो हमने बनाई थी। ये देखिए दिखने में कितना कलरफुल लग रहा है, हर तरह का टेक्सचर मुंह में जाएगा और बहुत ही मजा आ जाएगा इसको खा के। हल्का सा इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। अब ऐड करेंगे इसमें एकदम ब्लास्ट के लिए अनार के दाने। मुझे अनार थोड़ा लाल वाला नहीं मिला, लाल वाला अनार से इसमें बहुत अच्छा कलर आता है और जब ये मुंह में आएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया रोल डाल देते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी सेव। और ये हमारी दबेली की स्टफिंग एकदम रेडी है। फिलिंग करेंगे पाव में। यहाँ पे मुझे ये वाला पाव मिला है, इसमें एक मोटा वाला पाव चाहिए होता है जो मुझे मिला नहीं है। हम इसी से बनाते हैं, इसको बीच से कट कर लेंगे।
इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ताकि हम अपना पेस्ट भर सके इसके अंदर। पाव में लगाएंगे नीचे हरी चटनी जो मैंने पहले से बना के रखी है। इस तरफ लगाएंगे मीठी चटनी इमली की, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर, एकदम मजा आ जाएगा इसको खा के। और अब हमने ये चटनी बनाई थी इसको हम नीचे लगाएंगे। अब हम अपनी फिलिंग भरेंगे इसके अंदर इस तरह से। प्याज डालेंगे, फिर फिलिंग डालेंगे। आप इसको एक बार इसको बनाइए, टेस्ट की गारंटी मेरी, घर पे बन रहा है एकदम मजा आ जाएगा इसको खाके। केवल रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा आलू इस तरह से बाहर से भी लगा देंगे ताकि एकदम भर जाए। स्टेप की तरफ चलते हैं सेकने के लिए। गैस में तवा चढ़ाएंगे और बटर डाला है मैंने और अच्छे से सेक लेंगे इसको एकदम। पलट के दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। ये तैयार है हमारी दबेली, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ। रेसिपी थोड़ी बड़ी है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाने में भी और खाने में उससे ज्यादा मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।